जॉकेश सर, एक तो मैं सबसे पहले आपका आभारी हूँ बहुत अच्छे शब्दों के लिए, और मैं भी अनुभव कर रहा हूँ कि शायद ये पहली बार ऐसा हुआ होगा कि हम इतने लंबे समय से रूबरू नहीं मिले हैं, वरना साल में दो तीन बार मिलना हमारे लिए भी स्वाभाविक था। और सीमेंस तो एक प्रकार से भारत में हमारा परिवार का अंग है, लेकिन आपने जो बातें कही हैं, भारत ने आत्मनिर्भर भारत अभियान इसी संकल्प के साथ लॉन्च किया है कि हमारी इकोनॉमी की कैपेसिटी और रेजिलिएंस को बढ़ाया जाए। इस दशक में इकोनॉमी को हाई ग्रोथ ट्रेजेक्टरी देने के लिए भारत ने एक के बाद एक कई रिफॉर्म्स किए हैं। इन रिफॉर्म्स का बहुत लंबे समय से इंतजार किया जा रहा था। आत्मनिर्भर भारत के विजन का मुख्य हिस्सा है देश के मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपोर्ट को अब एक्सपोर्ट हब कैसे बनाया जाए। भारत में मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ाने के लिए सरकार ने लगातार कई बड़े कदम उठाए हैं, कई सुधार किए हैं, जैसे कि नई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स के लिए कॉरपोरेट टैक्स को घटाकर 15% कर दिया गया है, ओनली 15%। जीएसटी रेट्स को कम किया गया है। जीएसटी और फेसलेस असेसमेंट के जरिए टैक्स स्ट्रक्चर को आसान बनाया गया है। लेबर लॉज के रिफॉर्म्स करके सभी को अधिकार देने के साथ ही हमने इंडस्ट्री को फ्लेक्सिबल ऑप्शंस दिए हैं। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए कंपनीज लॉ में कई बिंदुओं को डिक्रिमिनलाइज किया गया है। इसके साथ ही कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ाने के लिए कनेक्टिविटी इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत किया जा रहा है। महामारी के दौरान हमने देखा भी है कि भारतीय कंपनीज सप्लाई शॉक से निपटने में कितना सक्षम है। हमारी कंपनीज ने देश में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में मेडिकल सप्लाई को बनाए रखा। यही सक्सेस स्टोरी हमें देश के हर सेक्टर में रिपीट करनी है। मैं आपको और आपके सभी साथियों को भारत की प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव PLI स्कीम्स में सहभागी बनने के लिए आमंत्रित करता हूं। $26 बिलियन की स्कीम में आपको इंक्रीमेंटल प्रोडक्शन पर इंसेंटिव्स मिलते हैं और ये इंसेंटिव्स प्रोडक्शन वैल्यू औसतन करीब 5% के बराबर होते हैं। इसका मतलब ये है कि देश में PLI स्कीम के परिणाम स्वरूप करीब करीब $520 बिलियन का प्रोडक्शन होने जा रहा है। तो आप कल्पना कर सकते हैं कि कितने विस्तार से हम आगे बढ़ रहे हैं। थैंक यू प्राइम मिनिस्टर। आई शुड ऑल्सो मेंशन वी आर जॉइंड बाय की मेंबर्स ऑफ द कैबिनेट जस्ट इन केस द प्राइम मिनिस्टर आई थिंक ही हैज अ कमिटमेंट एंड ही विल लीव अस शॉर्टली, but we will follow up all the questions which were raised. May I go to Björn Rosengren, CEO of ABB. Thank you very much, honorable prime minister, ladies and gentlemen. It's an honor and a pleasure to be here today. First, allow me to congratulate you on your handling of the pandemic and launching the biggest vaccine drive in the world. I think this underscores India's strong global role in technology, and we are proud to support with our technology, both in automation, electrification, and robotics. We have been present in India for over 60 years, and today we have an important manufacturing and R&D footprint across the country. And we feel privileged to have been part of building some of your nation's impressive landmarks. For example, we have helped to ensure energy efficiency in the state of unity, and our technology helped drive the world's largest irrigation project, bringing much needed water to millions of farmers in India. Our technology has also been a key part of making Indian transport systems modernized and more sustainable. And we recently also inaugurated a robot facility to support the digital transformation of Indian manufacturing industry.
So together we can unlock India's economy's potential and drive high productivity, growth and prosperity. So to my question, Ms. Honorable Prime Minister, you recently announced the multi-sector production-linked incentive scheme to boost manufacturing. So what is your vision and complementary reforms in infrastructure and logistics, but also how to make India a preferred destination for investment by, for global manufacturers like ABB? मैं एक तो आपके बहुत आभारी हूँ कि आपने कोरोना के संबंध में भारत का की जो सराहना की, हमारे हेल्थ वर्कर्स को उसके कारण बहुत ही संबल मिलेगा। आपका सवाल बहुत वाजिब है। इंफ्रास्ट्रक्चर किसी भी इकोनॉमी की ग्रोथ के लिए सपोर्टिंग पिलर की तरह होता है, और इसलिए आज देश के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर पहली प्राथमिकताओं में से एक है। पिछले 106 सालों में भारत में 57,000 किलोमीटर इंटरस्टेट हाईवे बनाए गए हैं, 58% से ज्यादा रेलवे लाइंस इलेक्ट्रिफाई की जा चुकी है। इन 6 सालों में देश ने अपने पावर सेक्टर में 36 गीगावाट सोलर कैपेसिटी भी जोड़ी है। आप किसी भी क्षेत्र में देखिए, इंफ्रास्ट्रक्चर पर तेजी से काम हो रहा है। नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन के तहत 1.5 ट्रिलियन यूएस डॉलर्स के प्रोजेक्ट्स अगले 5 सालों में इंप्लीमेंट किए जाएंगे। इसी तरह देश के सभी इकोनॉमिक जोन्स को कनेक्ट करने के लिए मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी मास्टर प्लान भी बनाया जा रहा है। व्यापार में लॉजिस्टिक कॉस्ट कम करने के लिए, लॉजिस्टिक एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए सरकार नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी भी रिलीज करने के लिए काम कर रही है। जहां तक रिफॉर्म्स और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का प्रश्न है, इस पर अभी मैं बात कर ही चुका हूं। हमारे लिए रिफॉर्म्स एक सतत प्रक्रिया है, इसलिए हम इकोनॉमी में कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ाने के लिए लगातार काम कर रहे हैं। वर्ल्ड बैंक ने जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग में, ये अगर आप देखेंगे तो आपको ये नजर आएगा। जिन उदाहरणों का अभी मैंने जिक्र किया, जैसे कि लेबर रिफॉर्म्स हो, कम और आसान टैक्स स्ट्रक्चर हो, कंपनी लॉ ऑफेंसेस का डीक्रिमिनलाइजेशन हो, ये सब आज भारत के सार्थक प्रयासों के उदाहरण है। इसलिए कोरोना महामारी के बावजूद 2020 में भारत में एफडीआई 13% बढ़ा है, और इसलिए आप अंदाज लगा सकते हैं कि किस प्रकार से इन सभी क्षेत्रों में हम आगे बढ़ रहे हैं। थैंक यू। मैं नाउ कॉल ऑन जो टेलर, द सीईओ ऑफ ओंटारियो टीचर्स पेंशन प्लान। It's great to see you, Prime Minister. Thank you for those inspiring words, both in your address and the way you've answered the first two questions. Trying to build on them, if I may, you've talked very clearly about the infrastructure development to help India realize its potential as a manufacturing hub. I just wondered if you'd be able to share a few thoughts about how international investors like Ontario Teachers can help the local financing community to both promote and finance these developments. Thank you, Joe. Joe, आपसे तो मेरी महीने भर पहले वर्चुअल ग्लोबल इन्वेस्टर राउंड टेबल पर भी विस्तार से बात हुई है। मुझे खुशी है कि इंफ्रास्ट्रक्चर लेकर आप सब इतने सवाल पूछ रहे हैं। ये जरूरी है कि देश और इंडस्ट्री दोनों मिलकर इंफ्रास्ट्रक्चर को गंभीरता से लें। अनुमान के मुताबिक 2040 तक
देश की इंफ्रास्ट्रक्चर नीड्स करीब करीब 4.5 ट्रिलियन डॉलर के बराबर होगी। मेरा मानना है कि यह लक्ष्य सरकार और इंडस्ट्री को साथ मिलकर पूरा करना होगा। सरकार इस दिशा में स्टेबल एनवायरनमेंट और हर जरूरी मदद देने के लिए लगातार काम कर रही है। इनमें से ज्यादातर प्रयास आप सबने सीधे जुड़े हुए हैं, आप सब इनसे परिचित भी होंगे, जैसे कि इन्वेस्टर के सामने आने वाली किसी भी सिस्टमिक अड़चन के समाधान के लिए एम्पावर्ड ग्रुप ऑफ सेक्रेटरीज बनाया गया है। प्रोजेक्ट्स की एक रेडी सेल्फ उपलब्ध कराने के लिए प्रोजेक्ट डेवलपमेंट सेल्स का गठन किया गया है। सॉवरेन वेल्थ फंड्स और पेंशन फंड्स के जरिए इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्टमेंट करने पर 100% टैक्स में छूट मिल रही है। इसी तरह डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स, इससे भी छूट दी जा रही है। अभी हाल में ही इन्वेस्टर्स की मदद के लिए सिंगल पॉइंट कॉन्टैक्ट भी स्थापित किया गया है। सरकार ट्रांसमिशन लाइंस, लॉजिस्टिक पार्क्स, एयरपोर्ट्स, ऑयल एंड गैस पाइपलाइन और हाईवेज में एसेट मोनिटाइजेशन प्रोग्राम चला रहा है। इससे लो रिस्क ब्राउनफील्ड एसेट में भी इंडस्ट्री के लिए अवसर पैदा हुए हैं। आज इंफ्रास्ट्रक्चर, मोबिलिटी और क्लीन एनर्जी से लेकर टेक्नोलॉजी और मैन्युफैक्चरिंग तक हर क्षेत्र में आपके लिए अपार अवसर है। और अवसर इसलिए और भी कन्विंसिंग है क्योंकि ये अवसर एक वाइब्रेंट डेमोक्रेसी में है, एक बिजनेस फ्रेंडली क्लाइमेट में है और एक बड़े बाजार में है। मैं आप सबको खुद भी आमंत्रित कर रहा हूं कि आइए इन अवसरों से अपने फ्यूचर प्रोस्पेक्ट को जोड़िए। आपको जिस किसी भी मदद की जरूरत होगी, भारत उसके लिए तैयार है। Achai, I see we have some connection problems. I will ask a question on. Charles, can you hear me? Now I can hear you. Thank you. And Mr. Prime Minister, as always, you are inspiring to listen to, and thank you for your leadership. Your vision of a digital India has set forth a very ambitious plan to build a future for India that is technologically advanced and sustainable and inclusive. You're also leading the way in getting things done, and we at MasterCard, we're very proud to contribute to your vision as partners, and we remain committed to supporting your efforts on smart cities and digitizing merchants and building out systems for smallholder farmers and kiranas. But it's clear that the pandemic has hurt small businesses disproportionately. And we cannot have the internet of everything without the inclusion of everyone. So, sir, could you tell us a little bit about how you're prioritizing the rapid adoption of frontier technologies, especially among small businesses? And what can we, private sector companies and longtime partners like MasterCard, what can we do to help you further? थैंक यू अजय, बहुत दिनों के बाद आपसे आज रूबरू होने का अवसर मिला। डिजिटाइजेशन आज देश की प्राथमिकता भी है। डिजिटली एनेबल इन फाइनेंशियल इंक्लूजन के जरिए ही करोड़ों नागरिकों के बैंक खातों में पैसे पहुंचना और बिना बैंक से कैश निकाले उसका इस्तेमाल करना संभव हुआ। हमारी स्ट्रीट वेंडर्स के लिए क्रेडिट गारंटी स्कीम के द्वारा 1.3 मिलियन स्ट्रीट वेंडर्स फॉर्मल सिस्टम और डिजिटल इकोनॉमी से जुड़ गए हैं। एमएसएमई की डेफिनेशन को बदलने का हमारा निर्णय एमएसएमई सेक्टर को मजबूत करेगा
और ग्रो करने के लिए प्रोत्साहित करेगा। एमएसएमईज में इक्विटी और इनोवेशन को प्रमोट करने के लिए हमने विभिन्न फंड शुरू किए हैं। टेक्नोलॉजी ड्रिवन फोर्थ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, इसमें हमारे एमएसएमईज के लिए हम कई बातों पर फोकस कर रहे हैं, जैसे विभिन्न डिजिटल लेंडिंग प्लेटफॉर्म्स और प्रोडक्ट्स के इस्तेमाल से छोटे उद्यमियों को एक्सेस टू क्रेडिट कराने की व्यवस्था रही है। इंडस्ट्री के साथ मिलकर स्किलिंग, अपस्किलिंग और रिस्किलिंग के विभिन्न प्रोग्राम्स द्वारा फ्यूचर रेडी इंडस्ट्री रिलेवेंट स्किल सेट तैयार करने के प्रयत्न किए जा रहे हैं। हमारा प्रयास है कि एमएसएमईज को एआई और मशीन लर्निंग जैसी टेक्नोलॉजी से जोड़ना। इसके साथ ही हम एमएसएमईज को एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग और डिजिटल मार्केटिंग जैसी जरूरतों से भी जोड़ने में मदद कर रहे हैं। एमएसएमईज की सहायता के लिए, उन्हें नए अवसर देने के लिए हम कैसे टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं, इसका उदाहरण गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस जैम है। इसकी मदद से 450,000 से ज्यादा एमएसएमईज गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट में ऑनलाइन हिस्सा ले रहे हैं। यानी आप कल्पना कर सकते हैं कि सरकार और सरकार के बाहर डिजिटल टेक्नोलॉजी, इन सारी चीजों का कितना बढ़िया ढंग से हो रहा है। और आप तो वैसे भी एक प्रकार से हमारे को ट्रैवलर है, और इसके कारण मुझे पूरा विश्वास है कि हमारी और आपकी सोच में भी समानता है, और इसलिए आपका, आपकी सक्रियता इन चीजों को आगे बढ़ाने में जरूर काम आएगी। अजय, फिर से एक बार आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर। So next is Arvind Krishna, CEO of IBM. Thank you, Professor Schwab. Namaskar, Prime Minister Ji. So thank you for your comments today. As you mentioned, this pandemic has greatly accelerated digital transformation. Ajay spoke of this in financial inclusion, but you also spoke of it with Aadhaar and other aspects. I also would like to thank you for your comment on the engineering capacity of India and how that has benefited the world, not just India. We are also grateful to the cooperation of the government for all of the centers and our ability to do both software development and software services from India. That is something that we are very proud of and that we hope to continue to expand and accelerate under the government's guidance. However, when we speak about inclusion, education is also a very important part of it. And we are very proud of the work we are doing with Niti Aayog, part of the government of India, to build the first of a kind digital platform so that more and more young adults and children can participate in getting good education. And I'll use the word perhaps participate in a digital university. We are also proud of the work the government is doing in artificial intelligence or AI. I think all of this work is urgent and necessary. It's the next wave of digital, but it also will bring millions of young adults then into the educated workforce. So with that comment, my question is, artificial intelligence and data are topics that require a great deal of regulatory thought and great policy. What are your thoughts on policy around these topics so that AI remains responsible, allows everyone to be included, but the free flow of data also has to happen to benefit business and the country? धन्यवाद अरविंद जी। जब मेरी पिछली बार आपसे बात हुई थी तो कोरोना की वजह से पूरी दुनिया में हड़कंप था, अनेक देशों में लॉकडाउन का वो समय था। तब उस दौर में भारत की डिजिटल होती इकोनॉमी ने देशवासियों की बहुत मदद की है। आज हमारे देश में 1.3 बिलियन आधार, 1.1 बिलियन मोबाइल कनेक्शन,
और 750 मिलियन इंटरनेट सब्सक्राइबर्स, ये अपने आप में बहुत बड़ा पुल है। इन्होंने देश के डिजिटल प्रोफाइल को पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म कर दिया है। हमारी सरकार का विजन साफ है, हमें एक्सेस, इंक्लूजन और एम्पावरमेंट, इसके जरिए देश को ट्रांसफॉर्म करना है और साथ ही यूजर्स की प्राइवेसी भी सुनिश्चित करनी है। इसके लिए देश कई एस्पेक्ट्स पर फोकस कर रहा है। पहला है डिजिटल वर्ल्ड में सभी को एक्सेस। आज देश में 300,000 से ज्यादा कॉमन सर्विस सेंटर्स चल रहे हैं, जिनसे डिजिटल सेवाएं गांव-गांव पहुंच रही है। अगले 2-3 साल में देश के 600,000 से अधिक गांवों को फाइबर नेट से जोड़ने का काम चल रहा है। भारत वो देश बन रहा है जहां रिमोटेस्ट एरियाज में भी डिजिटल सर्विसेज का एक्सेस हो, मार्केट के लिए एक्सेस हो। दूसरे, प्रमोटिंग कंपटीशन। हम हर क्षेत्र को बाजार की भागीदारी के लिए खोलने में भरोसा करते हैं। आप यूपीआई को देखिए, ये इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। आज यूपीआई प्लेटफॉर्म पर ट्रांजैक्शन 2 बिलियन पर मंथ को पार कर चुके हैं। इसमें से एक बड़ा हिस्सा प्राइवेट प्लेयर्स द्वारा बनाए गए एप्स के जरिए ही हो रहा है। हमारा तीसरा एस्पेक्ट है फ्रंटियर टेक्नोलॉजीज की रिसर्च पर इन्वेस्टमेंट। एआई है, एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग है और इंटरडिसिप्लिनरी साइबर फिजिकल सिस्टम है। ऐसे सभी क्षेत्रों को आज विशेष रूप से प्रमोट किया जा रहा है। इसी तरह चौथा एस्पेक्ट है डेटा एंड प्राइवेसी। डेटा प्रोटेक्शन पर एक मजबूत कानून के लिए देश में काम चल रहा है। एक और जरूरी एस्पेक्ट है आत्मनिर्भरता। हम पूरी डिजिटल वैल्यू चेन में कॉम्पिटिटिव होना चाहते हैं। आज हमारे पास वाइब्रेंट स्टार्टअप सेक्टर है। जिस देश आज गर्व के साथ आगे बढ़ रहा है, बड़े स्तर पर इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग को प्रमोट करने के लिए हम इंसेंटिव भी दे रहे हैं, तो आप कल्पना कर सकते हैं कि जिस क्षेत्र में आप काम कर रहे हैं उसके सभी पहलुओं को प्रोएक्टिवली स्पर्श करने का हमारा प्रयास रहा है। अरविंद जी, फिर एक बार मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। To the last question in this section, Nobuhiro Endo is the chairman of the board of NEC Corporation. Thank you, Dr. Schwab. It is quite honorable for me to participate this session. And I'm very impressed to hear Your Excellency Prime Minister's presentation previously. And I'm really impressed that Prime Minister is currently trying to lead to reform for India. And I believe that in order to reform the countries, we have the a kind of the methodology that is the smart cities. And I know that you already have the quite big plan, 100 smart city in India. And my question is that, Prime Minister, your vision and the result that smart cities are key to achieving the sustainable goals in India are extremely relevant. How is your government planning on driving reforms for India to achieve people-centric reforms in the urban areas? Thank you, Indo. Desh ki badhti economy mein hame urbanization ka bhi bahut bada avsar milta hai.
आज भी हमारी इकोनॉमी का दो तिहाई, 2/3 इकोनॉमिक आउटपुट हमारे शहरों से ही आता है। आज देश सस्टेनेबल अर्बनाइजेशन के जरिए कई महत्वपूर्ण फ्रंट्स पर काम कर रहा है। पहला ईज ऑफ लिविंग, दूसरा ईज ऑफ डूइंग बिजनेसेस, और तीसरा क्लाइमेट सेंसिटिव डेवलपमेंट। इसी कमिटमेंट के तहत 2014 से 2020 के बीच $150 बिलियन अर्बन इंडिया में इन्वेस्ट किए गए हैं। 100 स्मार्ट सिटीज में सिटीजन सेंट्रिक गवर्नेंस, उस पर भी तेजी से काम हो रहा है। स्मार्ट सिटीज और डिजिटल इंडिया प्रोग्राम्स के द्वारा हमारे शहरों में फिजिकल और डिजिटल वर्ल्ड कन्वर्ज करने के लिए उस दिशा में हम काम कर रहे हैं। इसी तरह हेल्दी सिटीज के लिए देश आज लो कार्बन इकोनॉमी की दिशा में भी बढ़ रहा है। हम देश में न्यू एज पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करने के लिए भी उतनी ही गंभीरता से काम कर रहे हैं। 2025 तक हमारे 25 शहर ऐसे होंगे जहां मेट्रो की सुविधा होगी। इलेक्ट्रिक मोबिलिटी एक और ऐसा क्षेत्र है जिस पर देश तेजी से आगे बढ़ रहा है। ये सब इस बात की बस एक झलक है कि अगले कुछ सालों में भारत के शहरों की तस्वीर कैसी होगी, उनका स्वरूप कैसा होगा। और मैं चाहता हूं कि भारत का जो ये अर्बन का मिशन है, अनेक संभावनाओं वाला मिशन है, दुनिया में जिसके पास भी इसकी एक्सपर्टाइज है उनके लिए इससे बड़ी अपॉर्चुनिटी नहीं हो सकती है। और इसलिए एक तो मैं इंडो का बहुत आभारी हूं कि उन्होंने स्मार्ट सिटी वाले बड़े महत्व विषय पर मुझे अर्बन डेवलपमेंट के विषय पर सवाल पूछा और मुझे अपनी बात कहने का मौका मिला। प्रोफेसर स्वैब, मुझे लगता है कि आज मुझे काफी अच्छी तरह सबसे बात करने का मौका मिला है, मैं आपका बहुत आभारी हूँ। लेटेस्ट अपडेट और खबरों के लिए TV1 इंडिया को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलें।